efficiency, repair successful. So here we go. आप देख सकते हैं जहां पर 79% बैटरी हेल्थ थी वहां पर हो गई है बैटरी हेल्थ 100% पूरी की पूरी. So अब जब हम इस फोन को बैटरी से फोन में कनेक्ट करेंगे तो बैटरी हेल्थ हो जाएगी 100%. तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं आपका भाई मोहम्मद साद और आज जो आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूं मैं ये है बैटरी हेल्थ के स्कैम के ऊपर. जी हाँ, सही सुना आपने, जो लोग बैटरी बूस्ट करते हैं, बैटरी हेल्थ को इंक्रीज करते हैं, बैटरी हेल्थ से छेड़खानी करते हैं. बहुत लोगों ने मुझे सुना होगा आपने बैटरी बूस्ट. एक्चुअल में मैं आपको बताऊंगा ये है क्या, होती क्यों है, करते क्यों है, बेनिफिट क्या है, की कैसे जाती है, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा. वीडियो के साथ जुड़े रहें. चलिए शुरू करते हैं ज्यादा देर ना करके. बैटरी बूस्ट करने के लिए हमारे को क्या चाहिए, ये एक मशीन. थैंक्स टू माय फ्रेंड, नाम नहीं लूंगा उसका, उसने मेरे को ये मशीन अरेंज कराई है. दिखा सकते हैं भाई, दिखाएं. ये बैटरी बूस्ट करती है बेसिकली, ये वो मशीन है जो बैटरी बूस्ट करने का काम करती है, बैटरी हेल्थ से छेड़खानी करने का काम करती है. इस मशीन को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जैसे कार का मीटर बैक करते हैं ना वो लोग, बाइक का मीटर बैक करते हैं, उस तरीके की ये मशीन है. ये बैटरी का मीटर से छेड़खानी करती है. तो देर ना कर आपको दिखाता हूं. सबसे पहले ये एक फोन है हमारा खुद का, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे अपने खुद के फोनों पे. ये बेचने का फोन नहीं है, ऑल्दो मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि बेसिकली ये फोन जो है इसकी फेस आईडी भी खराब है और इसकी डिस्प्ले भी चेंज है क्योंकि टूट गई थी. हमारे ये आता है सोशल मीडिया के काम. आप देख सकते हैं इसकी बैटरी हेल्थ का जो परसेंटेज है वो है 79. मैं रईस भाई से कहूंगा, रईस भाई शूट कर रहे हैं, रईस भाई दिखाएं इसको, 79% बैटरी हेल्थ है. ठीक है, अब आइए दिखाते हैं आपको कि होता कैसे. रईस भाई से बोलो, रईस भाई उठो जरा एक बार. सबसे पहले मैं आपको फोन खोल देता हूं, इसको वीडियो पे जुड़े रहें, सारी चीजें क्लियर करूंगा आपको जितनी मैंने इस लाइन के अंदर रह के सीखी है, ताकि आपके पैसे को कोई बंदा हराम ना कर पाए, आपके पैसे को कोई आग में ना लगा पाए. सो कर लेते हैं फोन को स्विच ऑफ. आपने बैटरी हेल्थ देख ली थी 79% है. स्विच ऑफ, वेरी इजीली फोन खुल गया है. उसकी वजह ये भी है कि ऑलरेडी डिस्प्ले इसकी चेंज है क्योंकि टूट गई थी, अदरवाइज इजीली फोन नहीं खुलता है, बहुत गम वगैरह होती है. ठीक है, आप देख सकते हैं करना क्या है. ये बैटरी के कनेक्शन है, पास लेकर आएंगे भाई, अगर फोकस ना हो रहा हो फोकस कर लेंगे. ये बैटरी के कनेक्शन है, इन बैटरी के कनेक्शन को हम निकाल देंगे. ये निकाल दिया बैटरी के कनेक्शन, ये टच का कनेक्शन है बेसिकली, इस टच के कनेक्शन को भी हम निकाल देंगे. मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ आपकी मोहब्बत में दिखाने के लिए. ये डिस्प्ले के कनेक्शन है, इसको भी हम निकाल देंगे. और ये एंड में है फेस आईडी का मामला, जिसके थ्रू आपके कान का स्पीकर चलता है. फेस आईडी तो इसकी ख़राब है, कान का स्पीकर चलता है, ये वो फ्लैक्स है. मैं एक बार इसको भी प्यार से निकाल देता हूँ. ये चीज़ जो मैं आपके लिए करके दिखा रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ट्राई ना करें, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स के ही काम है, हमारे काम ये नहीं है. सो ये हो गए डिस्प्ले बिल्कुल अलग, कर दिया किनारे. अब है मेन काम, ये जो बैटरी का कनेक्शन है इसको हम कनेक्ट करेंगे इसके अंदर. दिखाता हूँ कैसे. ये मशीन हो गई है ऑन. सो इस बैटरी को लगाएंगे हम. देखिए आप यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कौन से मॉडल की कौन सी, पास से दिखा देता हूँ. यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि कौन से मॉडल की बैटरी आपको कनेक्ट करनी है. इसमें बड़े मॉडल की भी आती है मशीन, जो हमारे 12 Pro, 13 Pro, 14 Pro. सो कुछ इस तरीके से बैटरी को कनेक्ट करेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको. कुछ इस तरीके से बैटरी को कनेक्ट करेंगे. तो देखो भाई लोगों, बैटरी हो गई है कनेक्ट. उसके साथ आप देख सकते हैं, मैं कहूँगा रईस भाई को फोकस करें, आईफोन एक्स है, ओरिजिनल बैटरी है और ये इसकी कैपेसिटी है. जहाँ पे मॉडल्स लिखा हुआ है वहाँ पे एक्चुअल आपकी बैटरी हेल्थ लिखी हुई आ रही है कि कितनी है, कितनी बार चार्ज हुई है, 1038 बार चार्ज हुई है. ये पूरी सीरियल नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, सारी चीज़ लिखी हुई आ गई. अब हमें करना क्या है, सिंपल. अगर तो हमार को, आपको मैं दिखाता हूँ, अगर हम लोगों को इसकी बैटरी में छेड़खानी करके 79 से 82, 85, 95, 92 करनी है, तो हमें इस मशीन को लगाना पड़ेगा लैपटॉप पे, या फिर हमें कोई दूसरी बैटरी चाहिए होगी जो ऑलरेडी 95% पे हो. तो वो क्या करेगी, उस बैटरी का डाटा इसके अंदर मशीन में कॉपी हो जाएगा और सारा डाटा एज इट इज उठा के दूसरी बैटरी में डल जाएगा. अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, अब मैं वो आपको दिखाता हूँ, जिससे आपकी बैटरी हेल्थ पूरी 100% हो जाएगी. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, अगर आप देखेंगे, क्लिक टू राइट, लॉन्ग प्रेस टू ईपीएफ 100%. ठीक है, क्लिक फॉर राइट,
अब देखो ये राइट का बटन है, अगर आप ये भी देख पा रहे होगे, दिस इज राइट बटन, ठीक है। बैटरी हट गई, एक बार फिर दोबारा कनेक्ट कर देता हूँ, दोबारा से एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। सो बैटरी नॉट कनेक्टेड, कनेक्शन इज लूज, वन मोर टाइम, क्योंकि हम लोग इसमें प्रोफेशनल नहीं है ना। सो राइट के बटन को अगर आप देखेंगे, दोबारा से मैंने ये दबा के रखा, हार्ड प्रेस, ये लिखवाया गया इनिशिएट रिपेयर एफिशिएंसी। सो अभी आप देखिए रिपेयर सक्सेसफुली, ठीक है। अब दोबारा कनेक्ट करता हूँ इसको, ओके, पकड़ना पड़ेगा क्योंकि कनेक्शन लूज है। दोबारा से करते हैं एक बार, रिपेयर इनिशिएट एफिशिएंसी, रिपेयर सक्सेसफुल। सो हेयर वी गो, आप देख सकते हैं जहां पर 79% बैटरी हेल्थ थी, वहां पर हो गई है बैटरी हेल्थ 100% पूरी की पूरी। सो अब जब हम इस फोन को बैटरी से फोन में कनेक्ट करेंगे तो बैटरी हेल्थ हो जाएगी 100%। भाइयों, सिर्फ इस छोटी सी मशीन के जरिए से 5 मिनट के अंदर आपकी बैटरी के परसेंटेज से खिलवाड़ हो सकती है, छेड़खानी हो सकती है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आप कैसे भी कर सकते हैं। तो जो डीलर लोग हैं वो लोग इसे करते क्यों हैं, इसकी वजह क्या है करने की, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। इसका सिंपल जो सबसे सटीक तरीका है वो है ये कि वैल्यूएशन, आपके फोन की जो वैल्यू है वो सपोज करो बैटरी हेल्थ 95% पे किसी फोन की 12 प्रो की वैल्यू 50,000 रुपए, मैंने पहले ही बताया था आपको, लेकिन बैटरी हेल्थ 79% पे उस फोन की वैल्यू 41,000 है। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर बैटरी हेल्थ खत्म हो चुकी है, खत्म इन द सेंस खत्म नहीं होती, सर्विस आ गई। सर्विस का मतलब है कि आप बैटरी चेंज करा लो, अब आपका टाइम आ चुका है सर्विस कराने का, बैटरी चेंज करने का। सो बैटरी चेंज होने में खर्चा 8,000-8,500 रुपए का। तो लोग क्या करेंगे, बैटरी हेल्थ ना चेंज कराकर इस छोटी सी मशीन का सहायता लेके, इसका फायदा उठा के 200-300 रुपए लगा के, जिनके पास ये मशीन है तो वो तो अनलिमिटेड फ्री हो गया, जिनके पास नहीं है वो 200-300 रुपए देते हैं और उस बैटरी को परसेंटेज बढ़वा देते हैं। अब क्या होगा, फोन की वैल्यूएशन एग्जैक्ट दोबारा वहीं पहुंच जाएगी, लेकिन एक्चुअल जो उसकी औकात है बैटरी की वो तो उतनी ही है। तो भाइयों, जो लोग कहते हैं ना कि हमारे पास ये फोन है इसकी बैटरी हेल्थ बूस्ट नहीं है, खुला हुआ नहीं है, तो आप सिंपल कहो भाई मैं जाके कंपनी चेक करा लूं, अगर आप कहो तो, अगर बैटरी बूस्ट नहीं है बैटरी बूस्ट की गारंटी दे दो आप, मैं कंपनी जाके चेक करा लेता हूं। तो फिर आप देखना क्या होगा और क्या नहीं होगा। और मेजर जो लोग काम करते हैं, जैसे जो क्वांटिटी बेस में काम करते हैं, किसी के पास 50 फोन आए तो एक ऑफर है, ऑफर ये है कि किसी डीलर ने हमें बोला कि हमारे पास 50 फोन 13 प्रो, तो कितने का दोगे, उसने बोला सर हम आपको देंगे 80,000 रुपए का 13 प्रो 128 GB 50 फोन है, ठीक है। उसी डीलर ने हमें ऑफर करा कि हमारे पास कुछ फोन और हैं, उनकी बैटरी सर्विस है, तो क्या आपको वो चलेंगे, हमने पूछा बताओ क्या रेट है, उसने बोला सर वो हम दे देंगे आपको 70,000 रुपए का। क्यों? क्योंकि उस डीलर को भी पता है कि बैटरी जो है वो डलेगी ऑलमोस्ट 7-8 हज़ार रुपए की, तो उसने ऑलरेडी पहले ही प्राइस कम कर दिया, बैटरी के पैसे लेस कर दिए। अब वो फोन ने बेचा 70,000 रुपए का, 70,000 रुपए का डीलर्स ने फोन खरीदा, उसे खुलवाया, खुलवाने के बाद समझ लो ना आप इस मशीन के थ्रू बैटरी बूस्ट कराई, बढ़वाई, और वो फोन की वैल्यू फिर दोबारा हो गई 76-77। लोग फिर उसे उस तरीके से बेचने लगते। तो भाइयों, ये चीज बहुत बहुत ही कॉमन हो चुकी है, आप किस पे ट्रस्ट करें किस पे ना करें, सारे डीलर ऐसा नहीं करते हैं लेकिन सारे डीलर ऐसा करते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, दोनों चीजें आप समझना, हर कोई ऐसा है और हर कोई ऐसा नहीं है, ये भी नहीं है। तो बी योर ओन जज, आप खुद अपने दिमाग से काम करें। जो चीजें मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से आप फोन की कंडीशन को देखकर, कई फोनों में ऐसा होता है फोन डेंट लगे हुए हैं, अच्छी तरीके से पिला हुआ है, चार्जिंग जैक के अंदर भर भर के डस्ट भरी पड़ी है, उसकी बैटरी हेल्थ आ रही है 99%, कैसे हो जाएगा यार, इट इज इम्पॉसिबल। फोन की हालत को देख के भी पता चलता है कि इसकी बैटरी से छेड़खानी की गई है या नहीं, लेकिन वो बहुत प्रो लेवल की बात है, हम लोग उस चीज को देख के बता देते हैं, हम लोग चार्जिंग जैक को देख के बता देते हैं कि बैटरी एक्चुअल में इसकी बूस्टेड है या नहीं है, क्योंकि हमें काम करते करते 15 साल हो चुके हैं, वो काम आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप किसी भी से भी सामान लेते हैं, ट्रस्टेड डीलर से सामान लीजिए, आगे उससे सुनवाई की भी बात कर लीजिए लेते टाइम की, भाई अगर ऐसी कोई किलकिल निकली बैटरी बूस्ट और ये बूस्ट और वो बूस्ट, तो तू जिम्मेदार होगा, तू जानेगा उस चीज को, हमारा कोई रोल नहीं है उसके अंदर,
तो क्योंकि आप तब पैसे देते हैं तब आप सारी चीजें मनवा सकते हैं, लेकिन पैसे देने के बाद आप उन्हें फोन ही फोन करते रह जाओगे, कोई सुनवाई नहीं होगी। तो होप सो, सोचता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, किसी प्यारे भाई के साथ शेयर करें। और ये जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको दिखाया है आज बैटरी बूस्ट का, ये मेरे ख्याल से मैंने ही दिखाया है इंडिया के अंदर, किसी और ने नहीं दिखाया है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भाई अच्छा लगा या बुरा लगा, और इस तरीके की वीडियोस और इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए और बनाऊं या नहीं। करता हूं इस वीडियो को यहीं अंत। शुक्रिया, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मैं हूं आपका भाई मोहम्मद साद फ्रॉम कोरटेक एंटरप्राइजेज। अलविदा लेता हूं, बाय बाय।